नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल और लेके आ गया हूं एक इंटरव्यू प्रोग्राम। साथियों, हमने वर्षा जी का पहले भी इंटरव्यू लिया था लेकिन इन्होंने कहा है कि हम अपना इंटरव्यू नए सिरे से देंगे, तो इसलिए आज हम इनका इंटरव्यू नए सिरे से ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका परिचय कराऊं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेस करें बगल में बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। साथियों, अब से लव स्टोरी रोज रात 11 बजे आप हमारे चैनल पर सुना करेंगे, तो बाकी बातें बाद में। बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप नया इंटरव्यू, ऐसा क्या नया इंटरव्यू आप देना चाहेंगे मेरे को? शायद उस इंटरव्यू में कुछ चीजें सह गई होंगी जी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी और शॉर्टकट में इंटरव्यू दिया था जी। तो हो सकता है कुछ चीजें, मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें शायद जी। तो चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू जब नए सिरे से हो ही रहा है तो आप एक बार अपना जीवन परिचय से शुरुआत करें। चलिए स्टार्ट जी। मेरा नाम वर्षा श्रीवास्तव है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1999 है जी। और मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। मेरे पापा एनिमल्स डॉक्टर हैं, मम्मी हाउस वाइफ है जी, और भाई बहन दोनों स्टडी कर रहे हैं जी। तो मैं भी स्टडी कर रही हूँ फिलहाल जी। आपके घर में भी कोई ऐसी ही ब्लाइंड है? नहीं, मैं उसी। हाँ, तो चलिए ठीक है। तो अभी आप मतलब शुरू से ही आप बिहार में ही हैं? शुरू से मतलब स्टार्टिंग की जो भी पढ़ाई थी वो मैंने बिहार में की, सिक्स क्लास तक। उसके बाद मैं बाहर आ गई, फिर सारी पढ़ाई मैंने दिल्ली से की है। दिल्ली में जी। तो आप पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आप कर सकते हो? पढ़ाई के अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ। हाँ, मैं स्पोर्ट्स लाइन में भी हूँ। इसके अलावा मुझे स्विमिंग भी पसंद है, स्विमिंग भी करती हूँ जी। और रोहिणी सेक्टर 14 में वेंकटेश्वर स्कूल है एक, अच्छा गेट नंबर 3, वहाँ पे एक मतलब स्विमिंग की वो होती है ट्रेनिंग जी जी, मार्च से लेकर अक्टूबर तक जी। अभी एडमिशन होना स्टार्ट नहीं हुआ, एडमिशन अभी 1-2 मार्च से होना है, तो मैं एडमिशन लेने वाली हूँ, पिछले साल भी लिया था जी। बहुत बढ़िया। तो वर्षा जी, आपके जो हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो आप उनको जो सोच लेते हैं कि यार ब्लाइंड तो कुछ कर नहीं सकते, यार हम ब्लाइंड हो गए, अब हमारी यही जिंदगी है। क्योंकि मैं 2-3 दिन से कुछ हमारे ब्लाइंड भाई लोग ऐसा कहते हैं कि यार ब्लाइंड की जिंदगी भगवान ने बेकार दे दी यार, हम अगर नॉर्मल होते तो देख करके सामान उठा लेते हैं, ब्लाइंड हैं लोग पूछते नहीं है। आप उन व्यूअर्स को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अपने ही पैर पे ऐसे कुल्हाड़ी मार लेते हैं? ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड को कोई नहीं पूछते, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। जब खुद का ही रिस्पेक्ट आप नहीं करोगे तो फिर लोग आपका रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? सही बात है, इसलिए खुद का रिस्पेक्ट करना सीखो, पहले खुद को इज्जत, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको इज्जत देंगे जी। तो कभी कभी वर्षा जी होता क्या है कि भाई हम, आप पहले तो ये बताइए बचपन से ही ब्लाइंड है क्या? एक प्रकार से माना जाएगा बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मम्मी पापा बताते हैं, मैं सुनती हूँ कि जब मैं 1.5 साल की थी तभी कैंसर से मेरी दोनों आंखें निकाल दी गई थी। अच्छा, कैंसर की वजह से? अच्छा, पर इतनी छोटी सी उम्र में कैंसर? कुछ ग्रहण का मामला था। अच्छा, मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तो शायद उन्होंने ग्रहण पे देखा था गलती से जी। चलिए खैर, जो होना होता है होने को तो कोई टाल नहीं सकता। तो चलिए ठीक है, आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है कि आप आगे मतलब क्या करना चाहेंगी? करियर के बारे में तो मैंने ये सोचा है कि अभी अभी बीए कंप्लीट होने वाला है मेरा ग्रेजुएशन जी जी, और इसके बाद कोचिंग लूंगी मैं कहीं से, मुखर्जी नगर वगैरह में किसी इंस्टीट्यूट से जी, और मैं सिविल एग्जाम कोशिश करूंगी जी क्लियर करने की। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। मैं काफी सारे मैगजीन्स पढ़ती हूँ, ऑनलाइन काफी सारे क्लासेस ले रही हूँ मैं। अच्छा, और बस एक कोचिंग बाकी है जी। ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं कोचिंग भी ले लूंगी।
तो जिस तरीके से आपने वर्षा जी हमारे चैनल पर मेहनत करी है और हमारे चैनल पर इतनी अच्छी स्टोरी आप ला रही हैं, तो इतने व्यूज भी आ रहे हैं, क्या पहले भी आपका कोई चैनल था या पहले भी आप किसी यूट्यूब पर ऐसे आई हो क्या? तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल नहीं है जी, मैं कोई चैनल यूट्यूब पे नहीं है अभी। नहीं तो एक होता है ना कि आपको फिर मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस कैसे मिला कि यूट्यूबर पर, यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे बोला जाता है या इस तरीके से स्टोरी सुनाई जाती है? क्योंकि मैंने पहले भी स्टोरी सुन रखी होगी तो मुझे लगा कि कम ऐसे ही बोलते हैं, और कुछ मैंने कोशिश भी की है, कुछ मेरी कोशिश है जी। तो आपकी कोशिश एक ना एक दिन जरूर सफलता हासिल होगी। तो अच्छा, आपके घर वाले बराबर आपको सपोर्ट करते हैं? मतलब कोई ये तो नहीं कि यार ये तो ब्लाइंड है, किसी किसी घर वाले तो सोचते हैं, मैंने देखा है। हाँ देखा मैंने भी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो सपोर्ट करती है मेरी फैमिली मेरी जी। तो आपकी फैमिली जब आप यूट्यूब पे आपकी स्टोरी सुन रही होती है तो उस वक्त आपको कैसा, मतलब आपको कैसा रिएक्शन देती है? मतलब बहुत खुश होते हैं। अच्छा, तो मतलब आपकी फैमिली सुनती होगी है ना? हाँ जी। तो चलिए, अब आपका इंटरव्यू जीवन परिचय वगैरह सब हो गया, तो क्या कभी आपने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ सोचा है? लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा तो है, सोचा भी था जी, लेकिन बीच में बाय मिस्टेक से गलती हो गई, एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई जी जी, तो उसके साथ दो तीन सालों तक, दो ढाई सालों तक इधर रिलेशनशिप भी रहा, उसके बाद उसकी दिक्कतों की वजह से दोस्ती खत्म हो गई जी। मतलब कैसे, आप हमें कहानी बताएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स भी जो आपको सुन रहे हैं वो भी इस स्टोरी से कुछ सीख ले सके। हुआ ये था कि जब मैं दिल्ली आई जी, 2016 की जुलाई में आई थी मैं, और नवंबर में मेरी जान पहचान इस लड़के से, वो भी ऐसे कि एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मतलब मेरे फोन मांगा था अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए, क्योंकि अच्छा। उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, तो उससे मेरे से फोन मांगा था, तो मैंने उसको फोन दे दिया जी, और उससे मेरे से मतलब फोन मांगकर उसको कॉल किया और उससे बात की। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने बाद में लगभग 3-4 घंटे बाद मुझे कॉल किया जी, मतलब ये मान लो कि उसने, उस फ्रेंड ने मेरे से 12 बजे फोन मांग के कॉल किया था, उसके फ्रेंड ने 5-6 बजे कॉल किया था उसके बॉयफ्रेंड ने। अच्छा, तो मैंने फोन रिसीव किया, मेरे बारे में उसने पूछा कि मतलब ये सब क्या करते हो, सारी चीजें जो बेसिक जो बातें होती है, इंट्रोडक्शन ली उससे मेरी जी। वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था जी, उसका नाम था पम कुमार। अच्छा, तो उसने उसको धीरे से कहा कि इस लड़की की आवाज अच्छी लग रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन और लड़कियां मेरे पास थी जो मैं हॉस्टल में, उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने मुझे बताई, मैंने फोन काट दिया जी। फिर उससे नंबर मांगा मेरा उस लड़के से, मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड से, फिर उससे मुझे लगभग 10:30-11 बजे कॉल किया जी। मैं खाना वाना खा के आराम से लेती थी, बातें कर रही थी उससे रूम में जी, तो मुझे कॉल किया, मैंने उससे पूछा कौन, उससे बहुत ही अटपटा सा जवाब दिया उसने, कहा मैं डॉन, मैंने इसको खूब उल्टा सीधा सुनाया, मैंने उसको कहा कि लड़की पटाना तुम्हारा पेशा है, बहुत कुछ मैंने फूल सीधा बोल दिया, फ्रॉड हो लड़कियां बताती हूँ जी जी जी। फिर उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर कुछ बातें हुई मेरी, मुझे पता नहीं उसकी कौन सी बात अच्छी लगी, फिर दूसरे दिन हमारा मिलने का प्लान बना जी, और हम जीटीवी नगर मेट्रो पे मिले जी, उसने मुझे कहा कि मैं निकल चुका हूँ, मैं जल्दी जल्दी अपने हॉस्टल से गई और शायद तो मेरे एग्जाम से वो निकला भी नहीं था हॉस्टल से, 3-4 घंटे तक मैं खड़ी रही था गेट नंबर 1 पे जी, फिर वो आया था, फिर से मिली थी जी, तब से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में मुझे पता लगा, और वो मेरे ऊपर भी इल्जाम वगैरह लगाता गया, कुछ लड़के भी थे, कुछ लोग भी थे जी, बहुत सी दिक्कत आती है हमारे साथ भी, जब हम भी कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मेरे खिलाफ उसको भड़काया करते थे कुछ लड़के,
जी तो मैं उसे तंतुवर को भी हमेशा कहा करती थी कि दुनिया कहती है ऐसी बात मेरे बारे में, तो किसी को ये कहो ना कि तुम प्रूफ कर दो। सही बात। अगर वर्षा अगर गलत है तो उसको कभी ऑन स्पॉट पकड़वाओ, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा जी, या फिर प्रूफ ऐसे दे दो। सही बात है जी। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता था। अभी भी मैं कभी भी उसकी कॉल आती है तो मैं ये कहती हूँ प्रूफ करवा दो ना। जी 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 दिखा दे, कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर ले ऐसी मेरी कोई जी। लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहता, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जी जी जी। फिर जो कुछ भी हो इस तरीके से जिंदगी चलती गई, फिर से दोस्ती टूट गई। लेकिन मैंने भी अब काफी गम से बाहर निकली होगी, पर मैंने भी एक अच्छे से लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रखा है। जी जी बिल्कुल। कि वो स्मार्ट हो, उसकी लंबी हाइट हो, पर्सनालिटी अगर अच्छी हो। जी बहुत बढ़िया। ऐसा सोचना भी चाहिए क्योंकि लाइफ पार्टनर हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी हो गया है, और हमने आपका लव इंटरव्यू इसलिए भी एक तरीके से जरूरी था ताकि हमारे व्यूवर्स को इससे कुछ संदेश मिले। अच्छा तो अब आप ये बताइए कि हमारे व्यूवर्स को आप लास्ट में आप जाते जाते क्या संदेश देके जाना चाहती हैं? लास्ट में जाते जाते मैं अभी आपको जो है लाइव 6 बजे आपकी जो वीडियो ये प्रीमियर हो रही है, तो आप क्या संदेश देके जाना चाहती हैं? लास्ट में मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिंदगी हमारी है जिसे हमें जीना है जी। हमें कोई हाथ पकड़ के घुमाने नहीं आएगा, कोई हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा जी, कोई हमें मोटिवेट करने नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया ऐसी नहीं है जी कोई किसी को मोटिवेट करे जी। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मोटिवेशन आप वही से लेनी चाहिए। अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे जी, कोई आपको ये कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तो इसको अपने मोटिवेशन में बदल दो, इससे मोटिवेशन लो। जी जी। तो हाँ तो चलिए ठीक है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश और क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपको लाइव सुन रहे हैं और आपने भी मेरे चैनल पर अपने हमारे चैनल की मदद करने की सोची, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये और बता के चले जाइए कि हमारे चैनल पे आप प्रोग्राम क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, कैसी कैसी कहानी लाओगे, दौड़ लाओगे कि नहीं, क्योंकि व्यूवर्स को स्टोरी का इंतजार रहता है। तो आप बता दीजिए कैसे आप चैनल को मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, तो बहुत से लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी किए हैं, तो एक बार आप प्लीज बता दीजिए। तो चैनल को इस तरीके से मैनेज करना है कि मैं कुछ देर तक प्रोग्राम नहीं ला पाई थी इसलिए क्योंकि मेरा फोन खराब हो चुका था जी, और आज मैं फोन लेके आई हूँ जी जी। लव स्टोरी तो आएगी ही जी, इसके अलावा हमें शेड्यूल तैयार करेंगे, एक रूटीन बनाएंगे चैनल के लिए जी जी, जिसके हम गेम वगैरह ऐसी चीजें लाने की कोशिश करेंगे जी। शेर और शायरी का एक प्रोग्राम होगा जी जी बिल्कुल। अभी ब्लाइंड डीएनए टेस्ट जी वो पार्ट 3 भी आने वाला है जी जी, तो उसमें आप लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और साथियों आप लोगों को भी अगर इनकी बात से सहमत है, इनका इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और रात 11 बजे सुनना ना भूलिएगा एक सच्ची प्रेम कथा। चलिए वर्षा जी थैंक यू।